गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज है महाशिवरात्रि। आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छा दिन है और हम अब जा रहे हैं जल चढ़ाने। चलिए चलते हैं शिव जी के मंदिर। और दोस्तों, मिंकल है मेरे साथ और हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, उनको जल चढ़ाने। और रोहित भी हमारे साथ। चलिए चलते हैं, आप चढ़ाते हैं जल। रोहित आगे आगे चल रहे हैं अभी हमारे साथ और भी हम जा रहे हैं मंदिर। चलिए चलते हैं। और दोस्तों, मंदिर पहुंच चुके हैं। जय भोले बाबा आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे अभी शनिदेव जी की मूर्ति भी स्थापित हुई है और शिव जी का मंदिर तो है ही। और आज देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे सड़कों पर, और अंदर भी देखिए काफ़ी भीड़ है। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी भीड़ है लेकिन अंदर यहाँ पर दिखा नहीं सकते, लेकिन जितने भी वीडियो बनी मैंने आपको दिखा दी यहाँ की। और दोस्तों, हमें मिले मंदिर से बेर और अंगूर, काफ़ी प्रसाद के रूप में। शिव जी को अति प्रिय हैं बेर। और हम माँ से पूजा करके आ गए। और देखिए कितनी अच्छी जगह है यहाँ पर। और टांगरी में आप देख सकते हैं मंदिर बन चुके हैं। देखिए कि मंदिर हो रहे हैं। ये बाबा बालानाथ जी का मंदिर है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर मंदिर और टांगरी एक अच्छी तरह विकसित हो चुकी है। और दोस्तों, टांगरी से नीचे उतरने का रास्ता है, चढ़ते भी यहीं से हम। देखिए दोस्तों, बैक साइड से हमारा घर, जिसमें भी नई सफेदी हो रखी है, कितने बड़े लग रहे हैं। और दोस्तों देखिए, शिवरात्रि के दिन हमने यहाँ पर शिव जी के लिए बेलपत्र और फल चढ़ाए हैं। और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और ये शिव जी की नई हम लेके आए थे कल ये फोटो, और काफ़ी ही अच्छी लग रही है और मन पावन सो जाता है। दोस्तों आज बहुत ही अच्छा दिन है। आप भी अपनी इच्छाएँ मांगें, भोले बाबा जरूर पूरी करेंगे। जय भोलेनाथ की। और दोस्तों, मेरे पास ये एयरबड्स हैं और इसका ढक्कन टूट गया एक तो। और ढक्कन टूटने के साथ साथ आप पता कर सकते हैं तो बताइए। देखिए इसकी जो बैटरी है ना, ये नहीं चल रही है। मतलब इसमें ये अब ना चार्ज हो रही है और ना ही कुछ चल रहा है इसमें। और बस एयरबड्स चलते हैं, चार्ज तो बिल्कुल नाम मात्र से रह गया। आप बताइए अगर कहीं से ये ठीक हो जाए तो। और दोस्तों, गौ माता आई हैं, उनको खिला रही मम्मी रोटी। जय गौ माता। आज शुभ दिन पर आई गौ माता। जय गौ माँ। गाइस, मैंने टीवी खोला और मैं मैच देखने आया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ट्राई ने पैसे बढ़ा दिए हैं। तो आप बताइए कि आपके वहाँ पर केबल के पैसे बढ़ रहे हैं या फिर आपके चैनल आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर आपके वहाँ पे आ रहे हैं और नहीं आ रहे तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। अभी दोस्तों हम अपने फ्रेंड की शॉप पर जा रहे हैं, मिंकल के पास। चलिए वहीं चलते हैं। वो दोस्तों मिंकल की शॉप पर आ गए हैं और मिंकल को आवाज़ मारते हैं। मिंकल आ गए। मिंकल, मिंकल कैसे हो? हेलो, बहुत अच्छे। और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बस बढ़िया, आप कैसे? बस भाई बढ़िया, तू सुना? मैंने ऐसे जा रहा था, मैंने कहा मिल के आता मिंकल से। बहुत अच्छा। और क्या चल रहा है? सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके चलो फिर मिलते हैं। ठीक है। कल कैसा लग रहा है सड़क पे? पहले कितने खड्डे थे और वो हो गया है ना, अब बढ़िया सड़क बन गई है, पहले बहुत खड्डे थे। अरे खड्डे अभी मैं देख रहा था, सीमेंट सीमेंट लगा हुआ है तो ठीक है। चलो अभी ये हो रहेगी, अब थोड़े लोग आराम से आ तो जाएंगे। पहले दिक्कत बाजी हो रही थी ना जाने आने में, यार ये सड़क बना देते हैं, ढंग से बनाते नहीं है, तो दिक्कत होती है। और दोस्तों, ये शाम का समय हो चुका है और शिवरात्रि का जो है व्रत में पूजा की जा रही है। जय भोले बाबा की। और प्रसाद बट रहा है अभी यहाँ पर। मेरे को भी दे दो, लिया मुझे भी दे दो। जय भोले बाबा की। जय भोलेनाथ। जय खुशियां। और दोस्तों अब व्रत में देखें, आपको दिखाते हैं क्या क्या बनाया हमारे यहाँ खाना। और ये दोस्तों आज सुबह से शाम हो गई लेकिन केबल नहीं आ रहा है, क्या करें इसका? वो इधर कब आया यार, केबल नहीं आ रहा है? पता नहीं यार, सुबह से आज क्या कर रखा है इसने, फ़ोन करके पता कर लिया तो। किया था वो, कह रहा है कि भी जब तक कोई वो नहीं आएगा ना, जब तक इस मतलब हवा आ रहा है इसमें। हाँ यूँ कह रहे थे, जब तक ये मतलब कोई इसका वो निकलेगा हल, तब तक नहीं करेंगे, प्रयास कर रहे हैं अभी। चलो देखते हैं अगर आज कल तक। हाँ देखते हैं। चलो मैच भी था ना? मैच चल रहा था दोस्तों, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। चलिए आप बताना अगर आपके पास वहाँ पर अगर आ रहे हो केबल कि नहीं। देखिए दोस्तों क्या बना आज। मम्मी क्या बना रहे हो? खीर बना रही हूँ और सब्जी बन गई है, आलू की सब्जी बनाई। और आलू की सब्जी बनाई। और क्या बनाओगे साथ में? भी अब पूरी बनाएंगे, अभी खीर अभी बन रखी हुई है अभी। चलो कब कब तक बन जाएगा? अभी लगेंगे 10-15 मिनट।
चलो ठीक है, चलो दोस्तों फिर खाएंगे जब बन जाएगा खाना। और दोस्तों ये पूरियाँ बन रही हैं गर्मा गर्म, और अभी पहले जब प्रसाद हम चढ़ाएंगे पहले भगवान को, उसके बाद हम खीर बन गई है। और खीर भी देखिए बन गई है, तैयार है। और अभी इसको हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद फिर खाएंगे। और दोस्तों हम लगा रहे हैं पहले भगवान को भोग। जय भोलेनाथ, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। जय भोले बाबा की। कैसा बना खाना रोहित? बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, आज महाशिवरात्रि थी, तो दोस्तों चलिए हम भी खाना खाते हैं। और यही था आज का ब्लॉग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।